स्टार्ट करते हैं आज से मैथमेटिक्स, और आज पहला चैप्टर वेक्टर एलजेब्रा, जो कि आपके लिए कौन सा है चैप्टर? चैप्टर नंबर 10। ठीक है, अब इस चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है वेक्टर एलजेब्रा। तो उससे पहले हमें समझना होगा कि वेक्टर क्या होता है। अब वेक्टर को जानने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए जाननी यहाँ पर ज़रूरी है। ठीक है, देख, तो जो साइंस स्टूडेंट्स हैं वो तो वेक्टर्स वगैरह को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वेक्टर क्या होते हैं, क्योंकि उन पढ़ते हैं, क्योंकि फिजिक्स में उनके पास वेक्टर्स वगैरह आते हैं। लेकिन जो कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग वेक्टर्स को नहीं जानते कि वेक्टर्स क्या होते हैं। तो वेक्टर को समझने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे उसका जवाब देंगे। ठीक है, कुछ हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वांटिटीज के बारे में, फिर हम देखते हैं कि वेक्टर क्या है। मैंने अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के अलग अलग स्टूडेंट्स की हाइट को नोट डाउन किया। मैंने अपनी क्लास के अलग अलग स्टूडेंट्स की हाइट को नोट डाउन किया और एक जगह पर लिख दिया। तो वो जो मेरे को क्वांटिटी मिली, ये जो हाइट के नाम से मुझे जो क्वांटिटी मिली, वो क्वांटिटी एक कांस्टेंट टर्म है या नहीं, है ना? तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इन्हें मैं बोलूंगी स्केलर। इन्हें मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी? स्केलर। वही ये कहें कि प्लेग्राउंड के अंदर एक फुटबॉल मैच चल रहा था, तो जब फुटबॉल मैच चल रहा था तो एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को बॉल पास कर रहा है, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को बॉल पास कर रहा है, और फिर उस प्लेयर ने किसी तीसरे प्लेयर को बॉल पास करी। यानी कि यहां पर भी जब एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर के पास बॉल गई तो एक क्वांटिटी इन्वॉल्व है या नहीं है? भाई डिस्टेंस है ना, क्वांटिटी इन्वॉल्व है, बट उस डिस्टेंस के साथ साथ यहां पर डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। पहले एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर के पास, दूसरे प्लेयर से तीसरे प्लेयर के पास, तो ये हमारे कहलाएंगे वेक्टर्स। ठीक है, तो क्या है हमारे लिए स्केलर, वेक्टर्स वगैरह, ये सब चीजें क्या हैं? देखिए जरा, अ क्वांटिटी दैट इन्वॉल्व्स ओनली वन वैल्यू, यानी कि जहां पर एक ऐसी क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है जहां पर वैल्यू सिर्फ एक है। जैसे कि मैंने हाइट की बात करी, तो हाइट एक ही वैल्यू हुई ना, वो मुझे एक ही वैल्यू बताएगा ना अपनी हाइट के लिए, तो वो हमारे कहलाते हैं जो कि एक रियल नंबर्स हैं, जो कि होंगे स्केलर्स, उन्हें हम स्केलर्स बोलेंगे। जैसे कि स्पीड कह दो, एरिया कह लो, वॉल्यूम कह लो, डिस्टेंस कह लो, ये सारी चीजें आपके स्केलर है। एक सिंगल वैल्यू हमें मिलती है यहां पर। लेकिन वहीं पर अगर मैं किसी ऐसी क्वांटिटी के बारे में बात करूं जहां पर आपको टू वैल्यूज मिलती है, और वो टू वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती है? एक तो आपका मैग्नीट्यूड, अभी मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, और एक डायरेक्शन, यानी कि जहां डायरेक्शन दिखे आपको क्वांटिटी के साथ वही कहलाते हैं आपके वेक्टर्स। जैसे कि फोर्स, वेट, जैसे कि फोर्स, वेट, मोमेंटम, ये सारी चीजें वेक्टर का पार्ट होती है, क्योंकि इनमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है, क्वांटिटी के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। अब जैसे कि हमारे पास यहां पर एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, हमारे पास एक ये लाइन है, जिस पॉइंट से आपका वेक्टर शुरू होता है, जिस पॉइंट से आपका वेक्टर शुरू होता है उसे हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और जिस पॉइंट पे जाकर वो रुक जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस हमने कवर किया, यही कहलाता है मैग्नीट्यूड। जो हम यहां पर मैग्नीट्यूड इस्तेमाल भी करेंगे इस वर्ड को बार बार, प्रैक्टिकली भी इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, तो मैग्नीट्यूड क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द टर्मिनल पॉइंट। अब क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि वेक्टर्स में डायरेक्शन इन्वॉल्व है, तो देखो एक पर्सन है, सपोज करो ये एक डिस्टेंस है, ठीक है, यहां से लेकर मुझे वहां तक का डिस्टेंस कवर करना है, तो एक तो तरीका हुआ कि पहले मैं यहां से लेकर वहां तक गई। अगर वो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो मैंने कहा वेक्टर इज ए टू बी, तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा। वहीं पर अब मैं बी पे हूं, बी पॉइंट पे हूं, बी पॉइंट से अब मैं ए पॉइंट की तरफ जा रही हूं, तो मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया। तो देखो मैंने अपना डायरेक्शन चेंज किया, अब मेरा वेक्टर बनेगा बी टू ए, इसको इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है। और क्योंकि ये डायरेक्शन को शो करते हैं, तो इसलिए आपको इसके ऊपर इस तरीके से एक डायरेक्शन का एरो बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया कंसेप्ट कि वेक्टर क्या होते हैं, इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, और ये जो वर्ड है मैग्नीट्यूड, ये क्या होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की तरफ, देखते हैं जरा टाइप ऑफ वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहला वेक्टर है हमारे पास जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर क्या है? एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब सेम, वही इनिशियल पॉइंट है, वही उसका टर्मिनल पॉइंट है। अच्छा, ऐसे वेक्टर्स को हम जीरो वेक्टर्स तो कहते ही हैं, साथ में इन्हें हम नल वेक्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि कोई डायरेक्शन ही नहीं है ना इसमें,
कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लिखते कैसे हैं, जैसे कि ए और बी, ए टू ए, बी टू बी, तो ये इसका एग्जांपल हो सकता है जीरो वेक्टर का, क्योंकि यहां पर मैग्नीट्यूड आपका कुछ नहीं है, जीरो है एक तरीके से मैग्नीट्यूड। उसके बाद व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर, देखो यूनिट किसको डिस्क्राइब करता है, वन को। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड वन के बराबर होता है, जिनका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, यूनिटी का मतलब क्या है कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो अगर वन के बराबर है, अगर वो मैग्नीट्यूड वन के बराबर है, तो उसे हम कहेंगे क्या, कौन सा वाला वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आएगा आपके पास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। इनिशियल पॉइंट सेम मतलब जैसे कि ये हमारा ए है, ये इनिशियल पॉइंट हो गया। अब इससे गुजरने वाले हमारे पास दो वेक्टर है बी और सी, तो दोनों सेम पॉइंट से निकल रहे हैं ना, यानी कि इनिशियल पॉइंट अगर सेम है तो ऐसे वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स कहलाते हैं, को इनिशियल, ठीक है। नेक्स्ट, ये वेक्टर भी आपके काम आएगा अभी आगे क्वेश्चंस में, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, दो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, ऐसे वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर्स, ठीक। नेक्स्ट वेक्टर्स, अब नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, जब माइंड में हम बोलते हैं ना नेगेटिव वेक्टर्स, तो नेगेटिव वेक्टर्स सुनते ही बच्चों के माइंड में आता है कि एक ऐसा वेक्टर जो नेगेटिव है, जिसके डायरेक्शन नेगेटिव है। बट आप मुझे बताओ कि मैं मैग्नीट्यूड को बार बार कह रही हूं कि मैग्नीट्यूड ना डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस या लेंथ कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? कभी भी आप वेक्टर को देखोगे ना, जैसे कि सपोज करो एक ये ए वेक्टर है, मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल रही हूं, तो मैग्नीट्यूड ना कभी भी आपका जीरो से कम नहीं आएगा, ये सिचुएशन ही गलत है, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये सिचुएशन गलत है। तो नेगेटिव वेक्टर सोचते ही आप ये मत सोचिएगा कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव आता हो, नहीं, नेगेटिव वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं दो ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन डिफरेंट है तो सेम वेक्टर्स लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि मैं ए से बी की तरफ जा रही हूं, तो ए बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, बी टू ए वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाती है तो वो दो वेक्टर्स क्या कहलाते हैं आपके, नेगेटिव वेक्टर्स। जैसे कि देखिए जरा, हूज मैग्नीट्यूड इज सेम, अच्छा इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा भाई, पॉइंट्स तो सेम है ना, ए और बी, बी टू ए, डिस्टेंस बदल थोड़ी जाएगी, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन इज अपोजिट, सिर्फ डायरेक्शन आपके अपोजिट है, तो इसलिए ऐसे वेक्टर्स को नेगेटिव वेक्टर्स कहा जाता है। जैसे कि बी ए इज द नेगेटिव ऑफ ए बी, और अगर हम उसे लिखें तो एक्सप्रेशन हमारा ऐसे आएगा इसका, बी ए इज इक्वल्स टू माइनस ए बी। मैंने इसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाया, तो आप ये मत कहना कि आपने तो यहाँ पे नेगेटिव लगाया, मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड का साइन भी नहीं लगाया, अभी तक मैंने आपको बताया ही नहीं है कि मैग्नीट्यूड का साइन कैसा होता है, अभी बताती हूँ। यहाँ पे वैसे मैंने लिख दिया है, मैग्नीट्यूड इस तरीके से डिनोट होता है, अगर मैंने वेक्टर के बराबर में ये दो लगाए पॉइंट्स, वेक्टर को अगर मैंने इसके बीच में लिखा तो ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स नहीं बनाए, मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिखाए हैं, ठीक है, समझ आ गया टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 कर सकते हैं, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल सी।